नमस्कार दोस्तों, टीम मार्बल दुनिया आज पहुंची है राज मार्बल मूर्ति उद्योग मकराना। और आज हम जहां आपको लेके जा रहे हैं, जो मूर्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, भारतीय हर भारतीय की, हर सिनेमा प्रेमी की, हर संगीत प्रेमी के दिल की धड़कन, हर हिंदी भाषी व्यक्ति, वो चाहे भारत में रहता हो चाहे भारत से बाहर कहीं पर भी रहता हो, किशोर कुमार का नाम सबने सुना होगा। मेलोडी के किंग, भारत में एक साथ इतना टैलेंट कि आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो उसको अगर टैलेंट के हिसाब से तोला जाए तो उसे किशोर कुमार कहा जाए। वो किशोर कुमार की एक जीवंत मूर्ति जो कि मकराना मार्बल के अलावा कहीं नहीं बन सकती थी, मकराना के अलावा कहीं नहीं बन सकती थी, ऐसी एक मूर्ति का इंट्रोडक्शन हम आपको करवाएंगे। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। जरा हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें सर। नमस्कार जी, मैं केलाचंद सैनी, राज मार्बल मूर्ति उद्योग मकराना। नमस्कार जी, मैं राजेश सैनी। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए किशोर कुमार की इस भव्य और एकदम जीवंत, जैसे ये खुद रहे थे उसी तरह की इस मूर्ति का एक बार अवलोकन करवा दीजिए। गाने के लिए सुर को साधते हुए किशोर कुमार की ये मूर्ति, ऐसा लगता है कि बस अभी इन्होंने कोई गाना चालू कर ही देना है, जैसे बस ये गाना शुरू करने ही वाली है। मल्टी टैलेंटेड किशोर कुमार, जो अपने समय में न सिर्फ एक दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता थे, निर्माता निर्देशक थे, संगीतकार थे, गायक तो थे ही। तो ऐसे महान किशोर कुमार के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखें कि मकराना की मूर्तिकारों ने क्या चमत्कार कर दिया है। ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी कोई कार्यक्रम चालू करना है और उसमें गाना शुरू ही करने वाले हैं, उसके लिए ये अपनी सुर ताल को साध रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस मूर्ति के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं सर से। सर, हमारे को बताएं इसके बारे में जानकारी। सर, ये किशोरदा की मूर्ति है जो 5.5 फीट की हाइट में बनाई गई है, मकराना मार्बल की। 5.5 फीट की मकराना मार्बल की हाइट में बनाई गई है। सर, किस तरह का चैलेंज आया आपको, क्योंकि किशोर कुमार इतनी दिग्गज हस्ती हैं कि उनकी मूर्ति के साथ में आपको प्रयास तो बहुत करने पड़े होंगे। बिल्कुल सर, बहुत प्रयास करना पड़ा हमारे को, इनको बनाने में हमारे को कम से कम 2 से 2.5 महीने लग गए। सर सही बोल रहे हैं, जैसे हमने किशोर कुमार का ऑर्डर मिला था हमारे को, तो हमने बहुत सोचा समझा कि मूर्ति कैसे बनाई जाए। तो हमने किशोर कुमार जी का वीडियो देखा था, तो जब गाने गाने की पोजीशन होती है ना, तो किस प्रकार से ये गाना गाते हैं, किस प्रकार से ये जो अपने सुर का ताल मिलाते हैं, तो हमने ये देखा था कि उनके हाथ में माइक लेते हैं, जो हम लेते हैं वो नॉर्मल आदमी राइट हाथ में लेते हैं कि उल्टे हाथ में माइक लेते हैं। उसके बाद में ये दूसरा हाथ हमने इसके देखा, तो हम वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो वीडियो के अंदर क्या होता है कि जब माइक होता है ना, तो उसमें किशोर दास जी की मूर्ति ना सुर में लगा होता है ये हाथ। फिर हमने ये पोजीशन देखा, फिर भी वीडियो और भी देखा, तो हमने देखा एक पैर आगे होता है इनका, ऐसे झुकाव होता है, झुकाव होने से क्या है इनका और भी लुक अच्छा हो जाता है, उसके कारण मूर्ति बहुत अच्छी बन गई सर। तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है सर। दर्शकों, एक जानकारी मैं आपको कैलाश जी और राजू जी के बारे में देना चाहूँगा। आप दोनों
हम कोई भी प्रोफेशन में हों, हम टाइप कास्ट हो जाते हैं, हम एक ही तरह का काम करने में कंफर्टेबल होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस हमें ये काम मिलता रहे, हम फटाफट से कर देंगे और हमारी अर्निंग हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग है। ये दोनों भाई मूर्ति के लिए जी जान लगा देते हैं, इनको काम ही वो पसंद है जो इनको कोई नया चैलेंज ला के दे। जैसे इन्होंने ये जो किशोर कुमार जी की मूर्ति है, इसको जब इन्होंने ये साक्षात लेके आए, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले से किशोर कुमार जी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इन्होंने रिसर्च करी, समझा कि वास्तव में दर्शक इनको किस रूप में देखना पसंद करेंगे। इतनी रिसर्च करने के बाद में उसको आत्मसात करके और फिर एक पत्थर को इन्होंने जीवित किया है। तो अभी जैसे नागौर जिले में तेजा जी की जो मूर्तियाँ बनी है मकराना मार्बल की, वो सर्वाधिक मूर्तियाँ इन दोनों भाइयों ने बनाई है। सबसे बड़ी हाइट की मूर्ति भी इन दोनों भाइयों ने बनाई है मिलकर के। तो इनकी काम की क्वालिटी के अंदर में तो आपको कहीं कोई संशय करना ही नहीं चाहिए। फिर भी यदि आपको इनके लायक कोई काम लगता है, किसी भी तरह का चैलेंज आप इनको दे सकते हैं, ये उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपको बेहतरीन उसका आउटपुट लाके देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। थोड़ा सा इनका एक बार कंप्लीट कवरेज हमारे दर्शकों के लिए दिखाया जाए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार, जिन्होंने घुंघरू जैसी फिल्म में अपने ही ऊपर फिल्माए गए गाने भी गाए, तो बाद में इनके गानों से राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टारों को उन्होंने, जो उनकी आवाज़ बन गए थे, उनकी पहचान बन गए थे। तो जिनके सुपरस्टार बनने में किशोर कुमार के स्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है, और आज भी हम लोग इनके गाने अपने हर अच्छे बुरे मूड में सुनते हैं, चाहे हंसाने का, चाहे मस्ती का, चाहे गंभीरता लिए हुए, हर तरह के गाने इन्होंने गाए, और इनके ही किसी फैन ने ये मूर्ति इनसे बनवाई है। तो ये खंडवा मध्य प्रदेश में लगेगी, ऐसा हमें जानने में आया है। तो एक चैलेंज जो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से जब किसी आर्टिस्ट का, जो कि एक्टर हो, जब उनकी मूर्ति बनाने की बात आती है, आप ध्यान से देखें, ये कोई ये जैसे आप देखें कि अभी एक स्माइल देते हुए किशोर कुमार, गंभीरता से मनन करते हुए किशोर कुमार, तो अब आपको इनका जब एक्सप्रेशन लेना है तो आपको इतनी सारी वो वैरायटीज़ मिल जाती है कि वहाँ से आपको एक ऐसा लुक निकाल के लेके आना है। और यही एक मूर्तिकला का कमाल होता है कि वो कैसे वो एक्सप्रेशन चेहरे पे ले आए, न सिर्फ एक्सप्रेशन, और फिर आपको वो पूरा उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें एक तरीके से पत्थर में जान डालनी होती है, तब जाके इस प्रकार का कमाल होता है। और मार्बल दुनिया आज इस मूर्ति का आपको वर्णन करते हुए सैल्यूट करती है मकराना के इन मूर्ति का। किसी एक्टर की जो वर्सेटाइल हो, जब आपको उसकी मूर्ति बनाने का काम हाथ में दिया जाता है, और साथ ही आपको मूर्ति कौन सी बनानी है जब वो गा रहे हैं, तो आप अगर इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो जैसा इन्होंने बताया कि पहले वो मूर्ति आपके दिमाग में बनती है, तो इतने प्रतिभा संपन्न कलाकार के बारे में पहले इनको गहनता से सोचना पड़ा। और अभी आप इसमें एक बहुत बारीक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब सिंगर गाने के लिए तैयार है, तो तैयार होने के साथ में उसने किस तरह से वो जब धुनों के बारे में सोच रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसका जो बॉडी पोस्चर है उसका भी इसमें बहुत इन्होंने कमाल कर दिया है। मतलब वो बॉडी पोस्चर भी इन्होंने इतना अच्छे से मेंटेन किया है कि ऐसा लग रहा है कि बस अभी आपको एक सुमधुर आवाज़ किशोर कुमार की, जो उनके पुराने गानों की कोई एक स्वर लहरी बस आपके कान में आने ही वाली है। तो जीवित कर दिया है इन्होंने किशोर कुमार को, पुनर्जीवित कर दिया है, कमाल कर दिया है मकराना के मूर्तिकारों ने। तो अभी के लिए इस शानदार मूर्ति की यादें हमारे साथ में लेके हम यहाँ से निकलेंगे। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। नमस्कार। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, मार्बल दुनिया, मार्बल, ग्रेनाइट और हैंडीक्राफ्ट्स के विभिन्न प्रोडक्ट्स की जानकारी आप तक पहुंचाने का एक जरिया है।
क्रय विक्रय अपने स्वविवेक से करें।